10 साल बाद भारत को मिलेगा विपक्षी नेता। लंबे अरसे से संसद में नहीं था विपक्षी नेता, राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता। संसद के सत्र की शुरुआत हो गई है, तमाम सांसद ने शपथ ग्रहण करके अब अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब संसद के विपक्षी नेता किसे रखा जाएगा, इसका चयन हो रहा है और जिसको लेकर के निर्णय भी किया गया है। बीते 10 सालों से विपक्ष का यह पद खाली था, तो इस बार विपक्ष को अपना पद रखने का मौका मिला है, जिसके खातिर उसने यह पद राहुल गांधी को दिया। बताते चले कि बीते दिन हुई इंडिया ब्लॉक की नेताओं के साथ बैठक में भीतर यह फैसला लिया गया कि यह पद जो बरसों से इंतजार में था वो किसी और को नहीं बल्कि राहुल गांधी को मिलेगा। अब ऐसे में देखें तो इस पद को भी संभालने के लिए पहले राजीव, सोनिया के बाद अब यह पद विरासत की ओर बढ़ता दिख रहा है, जहां यह पद राहुल गांधी को दिया गया है। बताते चले कि ऐसा कई बार मौका आया जब यह पद खाली रहे हैं, जिनमें 1980-1989 के बाद 2014 से 2024 तक यह पद खाली था। वहीं बता दें कि इस पद के नियमों के मुताबिक किसी भी विपक्षी नेता को यह पद प्राप्त हो सकता है जब उसके 54 सांसद हों और कुल 10% के आंकड़े तय होना जरूरी है। इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर के 99 सीटें जीती हैं। बता दें कि विपक्षी नेता का पद मिलते ही राहुल को कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा भी मिलेगा, जिसके चलते आगे राहुल को कई सारे फायदे भी मिल सकते हैं, जिसमें आगामी चुनाव में प्रधानी पद की दावेदारी भी पैच प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार है कि राहुल ने अपने 2.5 दशक के अधिक लंबे राजनीतिक करियर में एक शानदार प्रदर्शन और मेहनत के साथ कोई संवैधानिक पद संभालने का अवसर प्राप्त किया है। बताते चलें कि इससे पहले भी विपक्षी नेता का पद आखिरी बार दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के पास था। 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर थी और जो अब यह पद राहुल गांधी को मिल चुका है, तो इसी के साथ यह तीसरा मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा के विपक्षी नेता की भूमिका निभाएगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 6 फरवरी 2000 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक विपक्ष के नेता रहे।